ऑल वेलकम टू होमवर्स। आज हम देखने वाले हैं लैपटॉप स्टैंड। बेसिकली ये हम इसलिए यूज़ करने वाले हैं क्योंकि लैपटॉप कभी कभी ओवरहीट हो जाता है या हीटिंग इशू आ जाते हैं लैपटॉप को, जिसके वजह से परफॉर्मेंस कम होता है। अभी आप ये देख पा रहे हो, ये एक कुशन है और उसके नीचे एक चार्जर है। तो मैं ये दो एक के ऊपर एक रखता हूँ और उसके ऊपर लैपटॉप रख देता हूँ। उसके वजह से क्या होता है कि थोड़ी सी लैपटॉप की जो हाइट है वो बढ़ जाती है, मतलब जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बढ़ जाता है, जिसके वजह से लैपटॉप का जो बेस है उसके नीचे से एयर वेंटिलेशन हो जाता है और जिसके वजह से लैपटॉप कम हीट होता है। बट इससे ज़्यादा मतलब जो नेचुरल कूलिंग होना चाहिए उतना होता नहीं, तो इसलिए मैंने मीशो से एक स्टैंड ख़रीदा है। तो आज हम उसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये है मीशो वाला प्रोडक्ट। तो बेसिकली इस तरीके का पैकिंग आता है। ये फोल्डेबल स्टैंड होता है, तो आप देख पा रहे हो इतने छोटे से बॉक्स में वो स्टैंड आया है। तो ये मुझे कुछ 288 रुपीज़ का मिला था मीशो पे। तो ये बेसिकली आप देख पा रहे हो इसके फीचर्स, ये मल्टी साइज यूज़ है। उसके बाद 7 नॉट्स है, मतलब 7 एडजस्टमेंट होते हैं इसमें, बट उसमें से सब यूज़फुल नहीं है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे ये दो कलर में आता है, मुझे जो मिला है वो पिंक कलर का है। वैसे साइड पे कोई ऑप्शन नहीं रहता कलर चूज़ करने का, वो आपका लक है, जो आपको मिल जाए वो ले लो। तो कलर में कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, तो मेन पर्पज़ है कि लैपटॉप फिट नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हमने ये परचेस किया है। अभी आप देख पा रहे हो कि ये इस तरीके का आता है, हम फोल्ड कर सकते हैं और कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं लैपटॉप बैग में। तो छोटा सा ये स्टैंड है। अभी ये जो उसका पैर है, ओके, मतलब ये वो वाले होल्स में उनको फिक्स करना रहता है। बट मैंने इसकी क्वालिटी देखी, ये जो लास्ट वाला जो होल है, मतलब अगर फर्स्ट वाला कंसिडर करेंगे स्टार्टिंग से, तो वहाँ से नहीं होता। ये अभी आप देख पा रहे हो कि ये स्टिकर भी निकले हुए हैं और ये मुझे फेविक्विक से खुद फिक्स करवाने पड़ेंगे। तो आप देख पा रहे हो कि ये इजीली रिमूव हो रहे हैं, उनका स्टिक जो मतलब ग्लू है नीचे का वो इतना अच्छा नहीं है। बट एनीवेज उन्होंने दिए तो है, जिसके वजह से ये एंटी स्किड का काम करेगा, लैपटॉप फिसल नहीं पाएगा। तो आप देख पा रहे हो ये इसका मैक्सिमम साइज है, और अगर मैं जब तक इस स्टैंड पे प्रेशर नहीं है तब तक वो जो पैर है इस स्टैंड के वो होल से निकल जाते हैं। तो अभी ये मेरा जो पुराना स्टैंड था वो मैं निकाल रहा हूँ और अभी इस स्टैंड पे हम लैपटॉप रखेंगे। तो मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो फर्स्ट होल है उस पे ये फिक्स नहीं होते। तो ये देखो स्लिप हो रहे हैं। तो मुझे अभी फर्स्ट होल नहीं यूज़ करूँगा, मैं अभी अलग होल्स यूज़ करता हूँ। तो बेसिकली अभी मैंने सेकेंड होल पे ये फिक्स किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको स्टैंड पे रखना। तो अभी मैं कितने लगभग जो 1, 2, 3, 4 ओके 1, 2, 3, 4 फिफ्थ, मैंने फिफ्थ होल में ये फिक्स किया है। अभी मैं इस पे लैपटॉप रख रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस कितना बढ़ जाता है। वैसे ये टाइप करने के लिए इतना इजी नहीं है, जैसे जब हम ये प्रोडक्ट ख़रीदने जाते हैं वहाँ लिखते हैं कि इससे नेक पेन कम होगी। तो ठीक है, इसका व्यूइंग एंगल जो है वो ऊपर आ जाता है। ये देखिए, ये बाजू में मॉनिटर है और मॉनिटर की जो अपर एज है स्क्रीन की, ओके, लगभग उसी स्क्रीन उसी एज के हाइट पे मेरा लैपटॉप माउंट हो जाता है। तो बट मैं टेबल पे हाथ रख के टाइप नहीं कर पाता, तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना ग्राउंड क्लियरेंस नीचे से दिख रहा है। तो आप देख पा रहे हो ये इतना ऊपर उठाया गया है, तो इसके वजह से जो नेचुरल कूलिंग है लैपटॉप के लिए वो सही से हो जाती है।
कुछ भी हीट का इशू नहीं आता। और मैं अभी ये 5th होल पे यूज़ कर रहा हूँ, बट बेसिकली मतलब ये मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया है और मैं हमेशा ये इससे भी ज़्यादा मतलब 6th होल पे यूज़ करता हूँ, सो दैट जो लैपटॉप की स्क्रीन है उसकी एज और मॉनिटर की स्क्रीन है उसकी एज एक समान आ जाती है और उससे नेक इशू ज़्यादा नहीं आते। मतलब मुझे पहले कैसे होता था, लैपटॉप की हाइट थोड़ी कम रहती थी तो मुझे थोड़ा नीचे झुकना पड़ता था और मॉनिटर को देखने के लिए ऊपर, तो अभी ये दोनों सेम हाइट पे आने के वजह से मैं ये आराम से देख पाता हूँ, तो नेक पेन डेफिनेटली रिड्यूस हुई है। बट यहाँ पे हम ऐसे टाइप नहीं कर सकते जब हम इसको एंगल में रखते हैं मॉनिटर लैपटॉप को, तो इसके लिए मैं अलग से कीबोर्ड यूज़ करता हूँ। और ये मेरा बेसिकली कंप्यूटर टेबल ही है जिसके ऊपर मैं एक मॉनिटर और लैपटॉप यूज़ करता था, बट अभी ये स्टैंड आने के वजह से मेरा और मतलब व्यूइंग एंगल और अच्छा हो चुका है। तो रुपीस ये देखिए, ये एज और ये एज, ये अभी 5th होल में है। अगर मैं 6th होल में इसका पैर फिक्स करूँगा, फंसा दूँगा, तो ये और ऊपर हाइट आ जाती है, तो मैं हमेशा वैसे यूज़ करता हूँ। तो आप देख पा रहे हो कि इस तरीके से आप ये यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।